नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कोरोना के प्रकोप को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का अभियान जारी है। 1 मई से इस अभियान को नई रफ्तार मिलने जा रही है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन ओपन हो जाएगा, लेकिन इस मिशन पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है, क्योंकि कई राज्य सरकारें कह चुकी हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हर जगह वैक्सीनेशन होना मुश्किल है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों के पास 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसकी वजह से प्रवासी मजदूर प्लान भी कर रहे हैं। उन सभी की समस्या को देखते हुए सरकार ने जहां हाल ही में निर्माण मजदूरों के अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, वहीं निर्माण मजदूरों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार की ओर से अब उन सभी मजदूरों और उनके परिवारों को 5 से 10 हजार अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दिल्ली सरकार इन सभी की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जांच पड़ताल पोर्टल पर करेगी। जांच पड़ताल करने के बाद सरकार इन सभी कोरोना पॉजिटिव मजदूरों के अकाउंट में आर्थिक सहायता राशि का अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। महाराष्ट्र में 15 और दिन के लिए लॉकडाउन लग सकता है। राज्य में 1 मई से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन सरीखी पाबंदियां लागू की जा सकती हैं। बता दें कि मिनी लॉकडाउन लागू होने के बाद भी राज्य में संक्रमण थम नहीं रहा है। ऐसे में सरकार अब और सख्त रुख अपना सकती है। आगामी लॉकडाउन पर सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में आज फैसला हो सकता है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बड़ा कदम उठाया है। आईसीएमआर ने 6 अलग अलग टेस्टिंग के तरीकों को भारत में अनुमति दे दी है। भारत में जानकार लगातार टेस्टिंग बढ़ाने की बात कह रहे हैं और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिन 6 किट को आईसीएमआर की तरफ से मंजूरी मिली है उन्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। आज कोरोना को लेकर मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। यह मीटिंग शाम 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। इस मीटिंग में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा की जाएगी। बता दें कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को लेकर वैक्सीनेशन किया जाना है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। वहीं इस बीच हरियाणा के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र की तरफ से प्रदेश के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है। हरियाणा को 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की एलिकेशन केंद्र सरकार से हुई थी, जिसे आज बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। पटियाला की केंद्रीय जेल से 3 कैदी फरार होने का मामला सामने आया है। बता दें कि केंद्रीय जेल बिल्कुल मिनी स्कैट्रेट के नजदीक है और इनमें से एक कैदी शेर सिंह 22 साल की सजा काट रहा था, जो पिछले हफ्ते ही जेल में शिफ्ट हुआ था। वही दूसरा कैदी इंद्रजीत सिंह कपूरथला का रहने वाला, जबकि तीसरा कैदी जसप्रीत सिंह रोपड़ का रहने वाला बताया गया है। कैदियों के फरार होने की खबर ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस की तरफ से तलाश अभियान जारी है। कोरोना वायरस के हाहाकार के बीच देश भर में ऑक्सीजन का संकट गहरा गया है। इस बीच दिल्ली के बाद अब राजस्थान ने भी झारखंड से ऑक्सीजन मांगी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति का वर्णन करते हुए झारखंड सरकार से मदद मांगी है। इसके बाद झारखंड के सीएम ने राज्य में लिक्विड ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। फारस की खाड़ी में अमेरिका के एक युद्धक जहाज ने ईरान की अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड के जहाज को चेतावनी देते हुए उस समय गोलीबारी की जब वे एक गश्त के दौरान बहुत नजदीक आ गए थे। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को यह जानकारी दी। फायरबोल्ट के चालक दल के सदस्यों ने चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई और फिर उनके जहाज अमेरिकी जहाजों से दूर चले गए। कांग्रेस के सांसद रहे एकनाथ गायकवाड़ का बुधवार सुबह निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से संक्रमित थे। मुंबई के ब्रिज कैडी अस्पताल में एकनाथ गायकवाड़ का इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आज अंतिम सांस ली। कांग्रेस के पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ पार्टी के मुंबई अध्यक्ष भी रह चुके थे। महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस को आगे बढ़ाने में उनकी बेहद अहम भूमिका रही थी। ऐसे में उनके निधन से प्रदेश कांग्रेस को निश्चित तौर पर काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।